हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद गुजरात से। आज के इस वीडियो में हम पिंडलियों के दर्द यानी कि काफ पेन के बारे में बात करेंगे। काफ पेन एक बहुत कॉमन समस्या है और काफी मरीज इसके बारे में हमको रेगुलरली पूछते रहते हैं। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण से काफ में यानी कि पिंडलियों में दर्द होता है। तो पहला कारण है डिहाइड्रेशन या फिर शरीर में पानी की मात्रा कम होना, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम होना। गर्मियों के मौसम में काफी बार हम पानी कम पीते हैं, शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, सॉल्ट कम हो जाता है, तो वो डिहाइड्रेशन के कारण हमारे जो मसल्स है वो सिकुड़ने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसको हम मसल क्रैम्प कहते हैं, मसल स्पाजम कहते हैं। तो पहला कारण है शरीर में डिहाइड्रेशन होना के कारण मसल क्रैम्प होने लगते हैं। ज्यादातर केस में ये कंडीशन स्पोर्ट्स प्लेयर्स में या फिर जो आउटडोर वर्क कहते हैं, ओपन में काम करते हैं, सनलाइट पे ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, पानी कम पीते हैं, उनमें देखने को मिलता है। तो ऐसे केस में ज्यादा पानी पीना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के सप्लीमेंट्स, ORS या फिर पानी में या फिर नींबू पानी में ज्यादा नमक डाल के पीना चाहिए, जिससे काफ पेन कम होने लगता है। दूसरे नंबर के कारण है विटामिन ई और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मिनरल है जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल की एक्टिविटी में हेल्प करता है। उसी तरह जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई की कमी से भी काफ में पेन होने लगता है। स्पेशली रात को सोने के टाइम में मसल्स में क्रैम्प आता है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है। तो ऐसे केस में अगर दोनों पिंडलियों में आपको दर्द हो रहा है रात को सोने के टाइम, तो विटामिन ई और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट आपको लेने चाहिए। ये दो लेने के 20 या 30 दिनों में दर्द काफी कम होने लगता है। तीसरे नंबर का कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि DVT। हमारी पिंडलियों में काफी खून की नलियां जाती है जो खून हमारे पाँव के पंजों से कैरी करके हार्ट की तरफ ले जाती है, जिसको वेन्स कहते हैं। जो डीप वेन्स होती है वो काफी चमड़ी के अंदर की तरफ यानी कि हड्डी की तरफ और मसल्स की तरफ होती है। ये जो डीप वेन्स होती है उसमें जो खून जा रहा है वो काफी बार जम जाता है। स्पेशली और कोई बड़ा ऑपरेशन करवाया है, पाँव में प्लास्टर लगवाया है, या फिर किसी का खून काफी मोटा रहता है, किसी का वजन बहुत ज्यादा है, ऐसे केस में ये जो खून जम जाता है उसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, या फिर वहां पे ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं। ये जो ब्लड क्लॉट्स है वो वहां से सेपरेट होके बॉडी में कहीं और भी जा सकते हैं। तो ये एक काफी सीरियस कंडीशन है और ऐसे केस में आपको पाँव के सोनोग्राफी, जिसको हम डॉपलर रिपोर्ट कहते हैं, वीनस डॉपलर करवाना चाहिए। ये DVT एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पाँव का जो पिंडलियां होती है और पिंडलियों से लेके पाँव के पंजों तक काफी सूजन आ जाती है, कभी कभार पूरा पाँव रेड होने लगता है। तो अगर DVT है तो आपको इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करके डॉपलर करवाना चाहिए और खून पतले करने के इंजेक्शन या फिर दवाई स्टार्ट करनी चाहिए। चौथे नंबर का कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 अगर डेफिशिएंट होने लगता है तो जो नसें होती है पाँव में वहां पे काफी दर्द होने लगता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो चेता तंतुएं होती है, जो सिग्नल्स ब्रेन से हमारे पाँव के पंजों में ले जाती है, वहां पे उसका ट्रांसमिशन काफी कम होने लगता है, जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। तो B12 की डेफिशिएंसी से पाँव के पंजों से लेके पिंडलियों तक काफी दर्द होने लगती है, जनजनाहट होती है, सूनापन लगने लगता है। पांचवा कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण भी जो चेता तंतुएं होती है यानी कि जो नसें होती है जिसका काम सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, वो काफी कमजोर होने लगती है, उसमें ट्रांसमिशन कम होने लगता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर है तो उसमें आपको डायबिटीज को स्ट्रिक्टली कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर का लेवल काफी कम होना चाहिए, HbA1c 7.5 से कम होना चाहिए, और उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन B12, प्री गाबालिन, वैसे कुछ सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके स्टार्ट करने चाहिए। छठा कारण है अगर पाँव के पंजों में खून कम पहुंच रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हार्ट में खून कम पहुंच रहा है और उसमें हार्ट अटैक आता है, उसी तरह अगर पाँव के पंजों में खून कम पहुंच रहा है, अगर पाँव में जो खून की नलियां जाती है जिसको आर्टरीज कहते हैं, तो अगर आर्टरीज में ब्लॉकेट होने लगता है, वहां पे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, कैल्शियम होने लगता है, जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं, तो ऐसे केस में खून कम पहुंचने से अगर जब हम चलते हैं, लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, तो मसल्स टाइट होने लगते हैं, मसल्स में क्रैम्प आने लगते हैं, जिसको हम क्लाउडिकेशन कहते हैं।
क्लाउडिकेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कुछ डिस्टेंस चलने के बाद, कुछ अंतर क्रॉस करने के बाद पाँव के पंजों काफी टाइट होने लगते हैं और हमको महसूस होता है कि वहां पे जलन होने लगती है, जैसे कि चींटियां काट रही हो। तो ऐसे केस में आर्टेरियल डॉपलर नाम का एक रिपोर्ट करवाना चाहिए, जिसमें हमको मालूम पड़ता है कि वहां खून कितना कम पहुंच रहा है, कौन सी आर्टरी ज्यादा काम कर रही है, कौन से खून की नली कितनी ब्लॉकेड है। ये कंडीशन में खून पतले करने की टेबलेट्स या फिर इंजेक्शन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद स्टार्ट करनी पड़ती है। उसके बाद कारण है अगर सायटिका नाम की तकलीफ, यानी कि कमर में जो गद्दियां होती है वो अगर खिसक गई है, मणके के बीच में जो नसें पसार हो रही है उसके ऊपर दबाव हो रहा है, जो रीढ़ की हड्डी है वो खिसक गई है और नस के ऊपर दबाव हो रहा है, तो कमर से लेके पांव के पंजों तक झनझनाहट होती है, करंट पास होता है, ऐसा लगता है सूनापन लगता है। तो ऐसे केस में कमर का या फिर रीढ़ की हड्डी का MRI करवाने पे पता चलता है कि उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना दबाव आ रहा है। अगर ज्यादा दबाव है तो फिजियोथेरापी टैबलेट या फिर कमर में इंजेक्शन लेने से वो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दबाव है और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी फायदा नहीं होता है तो कभी कभार उसका ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ये वीडियो में हमने एक बारी बारी सारे कारणों के बारे में बात की, जिसमें से मसल्स क्रैम यानी कि डिहाइड्रेशन होना, मैग्नीशियम विटामिन ई की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल ब्लॉकेज और कमर में नस दबना, ये सारे कारणों के बारे में बात की। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो में आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें लिख के भेज सकते हो, हम आपको इसका जरूरी जवाब देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।